वेलकम टू जिकोवर्ट। देखिए, ये वीडियो आपका एक करंट अफेयर का, और ये जनवरी से सितंबर तक जो बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहे हैं इन इन महीनों के बीच में, वो सभी करंट अफेयर आपको इस एक अकेले वीडियो में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये थोड़ा लेंदी वीडियो हो सकता है क्योंकि 300 प्लस क्वेश्चंस हैं इसमें, और ये समझ लीजिए ये सभी क्वेश्चन बहुत हिट हैं और आपके सभी परीक्षाएं जितनी भी लगी हुई हैं, रेलवे ग्रुप डी हो, यूपी पुलिस हो, ग्राम विकास अधिकारी हो, SSC के एग्ज़ाम जो भी हो, उन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बहुत मेहनत करके सारे जो डाटा मैंने स्टोर किया है, तो प्लीज़ उल्टे कमेंट मत करना क्योंकि भाई बहुत मेहनत लगी मैंने इस वीडियो को कंप्लीट करने में। ठीक है, पूरे क्वेश्चन पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए, सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और ये सभी क्या है, हिट क्वेश्चन है, और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने की बहुत उम्मीद है। ठीक है, तो करंट अफेयर का ये जो वीडियो है, ये लगभग आपका सभी जो महीनों के करंट अफेयर ये कवर कर देगा। वीडियो को बहुत आराम से देखेगा, बहुत अच्छे से देखेगा और सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए, आपका लगभग करंट अफेयर का पोर्शन कवर कर देगा। ये एक स्पेशल वीडियो है, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, राष्ट्रीय रजिस्टर NRC का पहला मसौदा किसने प्रकाशित किया? तो याद रखिएगा, ये किया है असम ने। ठीक है, सबको पता होगा इसमें कुछ 40 लाख लोग जो है अवैध घोषित किए गए थे, तो ये काफ़ी सुर्खियों में रहा, लेकिन इसका जो मसौदा सबसे पहले प्रकाशित करने का श्रेय जब ये जनवरी में ही किया गया था, तो ये किया था असम ने। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन हिट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। थोड़ा मैं तेज़ चल सकता हूँ क्योंकि लंबी वीडियो ना हो और क्वेश्चन जल्दी से कवर किया जाए, तो आप लोग थोड़ा सी मैनेज करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, क्या कि जनवरी 2018 में इसरो ने किस उपग्रह को लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, कार्पोसैट 2 को लॉन्च किया है जनवरी में इसरो ने। ठीक है, तो इस चीज को याद रखें, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, और मोस्टली सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेलवे वाले जो एग्जाम है उनमें तो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ओल्डेस्ट क्वेश्चन जो है करंट अफेयर पूछ रहे हैं, तो जनवरी तक आपको क्वेश्चन जो है अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपका काम है रेलवे वाले को तो हो ही जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 61वीं राष्ट्र निशानेबाजी चैंपियनशिप में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, कितने 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है जीतू रॉय ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रणजी ट्रॉफी 2017-18 का जो खिताब है किस टीम ने जीता है? तो ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप अच्छे से इसको याद रखिए, विदर्भ ने जीता है ये जो टूर्नामेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, पूर्ण रूप से महिला स्टाफ होने के कारण किस रेलवे स्टेशन को लिम्फा बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा, ये रेलवे स्टेशन है मटुंगा, और इसको क्या है, लिम्फा बुक ऑफ रिकॉर्ड, याद रखिएगा इस रिकॉर्ड को, और ये पूर्ण रूप से संचालित रेलवे स्टेशन था किसे, महिलाओं द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 22वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया? तो याद रखिएगा, ये किया गया था उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में, तो ये क्वेश्चन भी कई जगह पूछे गए, इनको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है कि किसानों को निःशुल्क बिजली देने वाला भारत का पहला राज्य बना? तो याद रखिएगा, यह बना है तेलंगाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देश का सबसे बड़ा रूफ टॉप सौर संयंत्र किस भारतीय राज्य में खोला गया? याद रखिएगा, क्या है, रूफ टॉप सौर संयंत्र किस भारतीय राज्य में खोला गया? तो ये खोला गया उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जनवरी में इसरो के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, इनकी नियुक्ति की है जनवरी के अंदर ही की गई है, तो ये क्या के सिवन जी हैं, इन्हें इसरो का अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्ति दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जनवरी में आधार नंबरों की सुरक्षा के लिए KYC लागू करने की जो घोषणा की गई है, ये किस तिथि को की गई है? तो याद रखिएगा, ये 1 जून 2018 से KYC स्टार्ट करी जाएगी, जो कि अब हो चुकी है, लेकिन इसकी जो घोषणा की गई थी जनवरी में ही की गई थी। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजनीतिक दलों को दान देने के लिए इलेक्ट्रॉल बॉन्ड, याद रखिएगा इसका नाम, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉल बॉन्ड है, ये किस बैंक की शाखा से द्वारा खरीदे जा सकते हैं? तो देखिए, क्या है, राजनीतिक दलों को दान देने के लिए। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पूछा जा सकता है, तो याद रखिए कि ये दिए जा सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, यहाँ से खरीदा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना की जो मंजूरी दी गई है, ये कहाँ पर की दी गई है? तो याद रखिएगा, ये बिलासपुर में, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, उच्चतम न्यायालय ने रणजी ट्रॉफी खेलने की मंजूरी दी है? तो याद रखिएगा, ये बिहार को दे दिए इन्होंने, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को क्या दिया, उच्चतम न्यायालय ने रणजी ट्रॉफी खेलने की मंजूरी दे दी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाई कोर्ट सेशन न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने वाली पहली जो है
भारतीय महिला वकील कौन है? तो याद रखिएगा ये हाई कोर्ट की थी और इनको डायरेक्ट कह के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर दिया गया, तो ये हैं इंदु मल्होत्रा जी। और ये क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सार्वजनिक स्थानों पर लगे लाउड स्पीकर पर विशेष दिशा निर्देश दिए हैं, याद रखिए क्या है, सार्वजनिक स्थानों पर लगे लाउड स्पीकरों पर विशेष दिशा निर्देश दिए हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने, यानी जो स्पीकर हैं इनकी जो वॉल्यूम किस प्रकार की होगी, कहाँ पर लगाए जाएंगे, कहाँ पर नहीं लगाए जाएंगे, ये सारी जो व्यवस्था लागू कर दी गई है उत्तर प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आशियान भारत प्रवासी दिवस का आयोजन किया गया, तो ये मोस्टली बहुत जगह ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा आशियान भारत प्रवासी दिवस का जो आयोजन किया गया है ये किया गया है सिंगापुर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस बैंक ने अपने 75 साल पूरे किए हैं, तो याद रखिएगा यूको बैंक जो है इसने अपने कितने साल पूरे कर लिए हैं, 75 साल जो हैं पूरे कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजी को प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाए जाने पर बैन किया है, तो याद रखिएगा ईरान ने क्या किया है कि अपने प्राथमिक स्कूलों में अंग्रेजी को ना पढ़ाने का जो निर्णय लिया और इसको पूरी तरह से क्या कर दिया, उन्होंने बैन कर दिया है, तो इस चीज को याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 13वां नवलेखन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो याद रखेगा आलोक रंजन जी को ये जो है पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्या कि भारत का अब तक का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो याद रखिएगा ये भी कई जगह पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा प्रत्यूष जो है ये भारत का अब तक का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रथम प्रवासी सांसद सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है ये कहाँ पर किया गया है, तो ये किया गया है न्यू दिल्ली के अंदर, याद रखिएगा प्रथम है तो ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2018 का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किसे जो प्रदान किया गया, तो याद रखिएगा ये जो मूवी है सिरी बिलबोर्ड्स आउटसाइड एबिंग मिशोरी को दिया गया है ये अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता, तो ये भी क्वेश्चन कई जगह पूछा गया है, तो याद रखिएगा क्या है, राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो जीता है ये जीता है सरजू बाला देवी जी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महिलाओं की शराब खरीद पर रोक लगा दी, तो याद रखिएगा जो श्रीलंका ने क्या किया है, बैन कर दिया है महिलाओं की शराब जो है खरीद पर, ठीक है, तो ये शराब नहीं खरीद सकती, इस चीज को याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के पहले रेडियो स्पोर्ट्स चैनल का नाम क्या है, तो ये भी क्वेश्चन कई जगह पूछा जा चुका है, तो अच्छे से याद रखेगा कि भारत के पहले रेडियो स्पोर्ट्स चैनल का जो नाम है ये क्या है, स्पोर्ट्स फ्लैशलेज। ये समझ लीजिए कि यहाँ पर सभी क्वेश्चन लगभग जो हिट हैं सब कवर किए जा रहे हैं और ये आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा प्यूरीफायर खोला गया है जो कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए, ये भी क्वेश्चन कई जगह पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा चीन में ये खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया, तो ये किया गया आपका कर्नाटक के अंदर, और मध्य प्रदेश के 27वें गवर्नर बनी थी जो कि जनवरी का ये करंट अफेयर, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि आनंदीबेन पटेल जो है ये 27वीं गवर्नर थी आपकी बनी है मध्य प्रदेश की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2018 जीता, मोस्ट IIMP क्वेश्चन ये कई जगह पूछा गया, मोस्टली ALP एग्जाम जो रेलवे के हो रहे थे वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका, तो याद रखिएगा ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2018 जीता है भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जनवरी में मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया, तो याद रखिए किसे किया गया है, ये ओम प्रकाश रावत जी को किया गया है नियुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2018 किसने जीता, तो याद रखिएगा रोजर फेडरर ने जीता है। देखिए इसका जो मैं PDF है मैं कल दूंगा, ठीक है, आज नहीं दूंगा कल दे दूंगा, आप लोग रट लीजिएगा इन सभी को अच्छे से, और अभी तो आप वीडियो को देख लीजिए, दो बार पढ़ लेंगे कोई बुरी बात नहीं है, ये समझ लीजिए कि ऐसे आपको बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी लगभग सभी महीनों के करंट अफेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 13वां ऑस्कर पुरस्कार 2018 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो याद रखिएगा ये जो किया गया है ये किया गया है द शेप ऑफ वाटर, या 13वां यहाँ पर काट दीजिए थोड़ा सी मिस प्रिंटिंग होगी, ऑस्कर पुरस्कार याद रखिए, ठीक क्या है, ऑस्कर पुरस्कार 2018 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म से सम्मानित किया गया है, तो याद रखिएगा द शेप ऑफ वाटर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया था, देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, देखिए अभी आपने बांध के कारण ही केरल में काफ़ी दबाई हुई है, तो अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन भी कहाँ पर आयोजित हुआ था, केरल के अंदर ही आयोजित हुआ था, ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दलित शब्द का प्रयोग ना करने का आदेश
आदेश जो दिया है किस हाई कोर्ट ने दिया, तो मध्य प्रदेश की जो हाई कोर्ट है उन्होंने ये मतलब आदेश दिया है कि दलित शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्लोबल एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान रहा। तो ये इस तरह के क्वेश्चन के लिए रेलवे वाले अच्छे से तैयार है, क्योंकि आपके इंडेक्स से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार रेलवे में, तो आपके जो ग्रुप डी के एग्जाम लगे वहाँ पर आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो क्या बोल रहे हैं, ग्लोबल एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा रहा है, 177 यानी 177 रहा है किसमें से, 200 में। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केंद्र सरकार ने 2018 को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत जगह पूछा गया, यूपी पुलिस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्या बोल रहे हैं, केंद्र सरकार ने 2018 को किस रूप में मनाने का निर्णय जो लिया है, ये लिया है बाजरा वर्ष। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फरवरी मंथ की। तो चलिए फरवरी में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है देख लेते हैं क्या है। न्यू वर्ल्ड जो है वेल्थ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में किस नंबर का सबसे अमीर देश बन गया, तो ये रहा 6। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने कई जगह देखा होगा, आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देश का पहला रक्षा कॉरिडोर किस भारतीय राज्य में खोला गया। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, याद रखिएगा, कई जगह ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या बोल रहे हैं, देश का पहला रक्षा कॉरिडोर किस भारतीय राज्य में खोला गया है, तो याद रखिएगा ये खोला गया है आपका तमिलनाडु के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय नौसेना के में किस पनडुब्बी को शामिल किया गया है, तो याद रखिए करंज नामक जो पनडुब्बी है इसको शामिल किया गया है, ये आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या कि इकोनॉमिक्स द्वारा तैयार वैश्विक लोकतंत्र में भारत का स्थान कौन सा रहा है, तो यार क्या बोल रहे हैं, वैश्विक लोकतंत्र में, ठीक है, तो ये रहा है 42। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का विजेता देश कौन रहा है इस बार, तो ये रहा है भारत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विनवैक्स भारत का किस देश के साथ संयुक्त सेना अभ्यास है। देखिए लगभग हर टॉपिक को लिया गया है, आपके इंडेक्स हों, आपके जितने भी युद्धाभ्यास हों, जो कुछ भी मुझे मिला मैंने सब कुछ इस वीडियो में आपको प्रोवाइड किया है, और ये समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप सबके लिए। क्या बोल रहे हैं, विनवैक्स भारत का किस देश के साथ संयुक्त सेना अभ्यास है, तो याद रखिएगा वियतनाम के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम वॉरियर किसकी रचना है, तो ये कई एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रचना है एग्जाम वॉरियर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि हावड़ा ब्रिज ने अपने स्थापना के कितने वर्ष पूरे किए हैं, तो याद रखिएगा 75 इन्होंने पूरे कर लिए इस ब्रिज ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए, तो याद रखिएगा नीलम कपूर जो है ये नियुक्त किए गए हैं, क्या, भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस टेक कंपनी पर भेदभाव का दोषी पाते हुए 136 करोड़ रुपए, ठीक है, याद रखिएगा करोड़ है ये, करोड़ रुपए का जो जुर्माना लगाया गया है, तो ये लगाया गया है गूगल पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हैप्पीनेस पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, कई जगह पूछा गया भैया ये क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं कि हैप्पीनेस जो हैप्पीनेस पाठ्यक्रम यानी खुशी पाठ्यक्रम जो किसने स्टार्ट किया, तो याद रखिएगा दिल्ली सरकार ने इसे स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वच्छ भारत प्रगतिशील भारत रिपोर्ट में प्रथम स्थान किसको मिला, तो ये मिला है केरल को। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा ये क्वेश्चन, देखिए केरल वाले क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से याद रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस समय जो है हिट रहा है केरल राज्य, क्योंकि आपने देखा ही है कि बाढ़ आई वहाँ पर, काफ़ी कुछ निपा वायरस था, फिर बहुत कुछ मतलब केरल में इस बार हुआ है, तो थोड़ा सा अच्छे से सबको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2018 शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में किया गया, तो यह देखिए शीतकालीन ओलंपिक खेलों की बात की जा रही है, तो क्या है, तोएंगचांग नामक स्थान है, यहाँ पर किया गया है शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नोबेल प्राइज सीरीज इंडिया 2018 के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया, तो यह क्या है, पणजी में किया गया है ये आयोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिलिस्तीन जाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन बने, तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है, याद रखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस देश में जाने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो याद रखिएगा ये किया गया है कृष्णा सोबती जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेपाल के प्रधानमंत्री चुने गए, तो याद रखिएगा केपी शर्मा ओली चुने गए हैं जो नेपाल के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2017 में भारत का स्थान क्या रहा, तो याद रखिएगा इसकी रिपोर्ट जो फरवरी मोस्टली देते हैं, तो ये 2017 की रिपोर्ट है, लेकिन मोस्टली आपका करंट अफेयर ये फरवरी का है, तो ये कब कौन सा स्थान रहा है, तो ये रहा है 71। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि
बागोरी गंगा ग्राम परियोजना की शुरुआत जो की गई है ये कहाँ पर की गई है, तो ये क्वेश्चन भी कई जगह पूछ लिया गया है, तो याद रखिएगा ये जो स्टार्टिंग की गई है ये की गई है उत्तराखंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा जो स्वास्थ्य सुरक्षा योजना से अलग हुआ भारत का राज्य कौन सा है, तो ये कई बार ये क्वेश्चन बन चुका है एग्जाम में, तो याद रखिएगा स्वास्थ्य जो सुरक्षा योजना से अलग हुआ है पश्चिम बंगाल, और याद रखिएगा इन्होंने एक विधेयक भी पारित किया, ये अपना नाम चेंज कर रहे हैं पश्चिम बंगाल से बांग्ला कर रहे हैं, तो इसको भी आप याद रखिएगा क्योंकि कई बार क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गरुण शक्ति सैन्य अभ्यास 2018 भारत का किसके साथ है। ठीक है, तो यार ये अभ्यास है भारत का इंडोनेशिया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यश चोपड़ा मेमोरियल पुरस्कार जो दिया गया है ये किसे दिया गया है, तो यार रखेगा ये आशा भोसले जी को ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्कूल जाने से पहले टीकाकरण अनिवार्य हुआ, यानी स्कूल प्रवेश से पहले टीकाकरण अनिवार्य कर दिया है, तो ये कर दिया है केरल ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2018 सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता, तो ये जीता है तमिलनाडु ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि इस मशहूर बॉलीवुड अदाकारा का दुबई के एक होटल में निधन हो गया, तो ये कौन है, याद पता है आपको, बहुत लोगों को सबको पता होगा लगभग, श्रीदेवी जी का निधन हुआ, आपको याद रखना है दुबई के होटल में इनका जो है निधन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शीतकालीन ओलंपिक खेलों में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है, तो ये मार्च का करंट अफेयर है, तो याद रखिएगा नॉर्वे ने जो क्या किया है प्रथम स्थान प्राप्त किया है शीतकालीन ओलंपिक खेलों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बायो एशिया 2018 का आयोजन किया गया, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, याद रखिएगा कई जगह ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्या बोल रहे हैं, बायो एशिया 2018 का आयोजन किया गया, तो ये किया गया है हैदराबाद के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो बनाया गया ये कहाँ पर बनाया गया है, तो याद रखिएगा ये बनाया गया है बांग्लादेश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन का, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क खोला गया है, तो याद रखिएगा सोलर पार्क की बात की जा रही है, ये खोला गया है कर्नाटक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शूटिंग विश्व कप का स्वर्ण पदक सबसे कम उम्र में जीतने वाली जो महिला बनी है कौन बनी है, तो याद रखिएगा मनु भास्कर बनी है शूटिंग विश्व कप का स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2017 में भारतीय सेना का स्थान क्या रहा था, तो याद रखिएगा ये फोर्थ स्थान रहा है इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आर्किटेक्चर का प्रतिजर पुरस्कार प्रदान किया गया, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन याद रखिएगा, तो ये किया गया है बाल कृष्ण दोषी जी को। ठीक है, ये आपका दोषी होगा, थोड़ा सी मिस हो गया है, तो याद रखिएगा ये क्या इनका नाम है दोषी। ठीक है, बालकृष्ण दोषी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मार्च 2018 में इच्छा मृत्यु की मंजूरी प्रदान की गई, बहुत हिट क्वेश्चन याद रखिएगा, कई जगह एग्जाम में पूछा गया है, तो क्या बोल रहे हैं, मार्च 2018 में इच्छा मृत्यु की मंजूरी जो प्रदान कर दी किसने कर दी, उच्च न्यायालय ने। ठीक है, भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का शिखर सम्मेलन जो आयोजित हुआ ये कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है आपका दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, विंस इंडिया का सम्मेलन कहाँ पर हुआ, तो यार क्या ये हुआ है हैदराबाद के अंदर। नेक्स्ट क्या कि ग्लोबल हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या रहा, तो याद रखिएगा हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान काफ़ी ख़राब रहा, 133वां स्थान रहा, ये आपके पड़ोसी देश बांग्लादेश और आपके पाकिस्तान से भी पीछे रहा, ये कुछ खास नहीं रहा इस बार भारत का ये स्थिति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने विश्व हिंदी सचिवालय की इमारत का उद्घाटन कहाँ पर किया, तो ये किया गया है मॉरिशस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का, विश्व आर्थिक जो मंच के ऊर्जा संरक्षण सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा, देखिए सभी सूचकांक अच्छे से याद रखिए, खासकर रेलवे वाले। ठीक है, क्योंकि आपके यहाँ से क्वेश्चन छोटी बनेंगे, क्या बोल रहे हैं, विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संरचना सूचकांक में भारत का स्थान जो रहा है वो 78वां रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देश का सबसे बड़ा बायोमेडिकल कचरा उत्पादक राज्य जो बना है, तो ये बना है महाराष्ट्र, और 105वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जो किया गया ये कहाँ किया गया है, तो ये किया गया इम्फाल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, सूचना के अधिकार के आवेदन शुल्क की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई, तो यार कहेगा पहले ये 10 रुपये थी, अब बढ़ाकर कर दी गई 50 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ICC से एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का दर्जा किसने हासिल कर लिया, तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन याद रखेगा, तो ये कर लिया है नेपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप इंडिया 2018 का आयोजन किया गया, तो ये किया गया कहां पर, महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन का, पशुओं के कान में टैग लगाकर उन्हें आधार की भांति संख्या प्रदान करने वाला राज्य बना, तो ये बना है मध्य प्रदेश, और नीति आयोग के अनुसार देश का सबसे पिछड़ा जिला कौन सा है, तो याद रखिएगा ये है आपका मेवात। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोका विधेयक पारित करने वाला भारतीय राज्य बना, तो याद रखिएगा कोका विधेयक अब जो सेकेंड राज्य है उत्तर प्रदेश, क्योंकि इससे पहले ये महाराष्ट्र में जो है
पारित हो चुका था और एक क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से, और याद रख लिया मोस्टली यूपी पुलिस परीक्षा भी लगी हुई है। तो जो तीन तलाक मसौदे पे सबसे पहले सहमति जताने वाला भारतीय राज्य भी उत्तर प्रदेश ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्लोबल रिच लिस्ट 2018 में किस व्यक्ति को दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया गया है? तो याद रखेगा जेफ बेजोस को घोषित किया गया, और याद रखेगा ये अमेजोन के मालिक हैं। ठीक है, अच्छे से याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो याद रखेगा गीता मित्तल जी को किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, याद रखेगा गीता मित्तल को किया गया नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मार्च में नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, तो याद रखिएगा नेम्फियो रियो ने ली है, और ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछा गया तो इसलिए आप थोड़ा सा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में ट्विटर का नया मुख्य प्रौद्योगिक अधिकारी चुना गया है, तो याद रखिएगा ये चुना गया पराग अग्रवाल जी को। नेक्स्ट क्या, सुल्तान अजलन शाह कप ट्रॉफी का टूर्नामेंट किसने जीता है, तो याद रखिएगा ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ताइवान के नए राष्ट्रपति नियुक्त किया गया, तो कौन किया गया, तो याद रखिएगा साई इंग वन जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरानी कप 2018 जीता, तो यार के विदर्भ ने जीता है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि दुनिया के आखिरी उत्तरी नर गैंडे की मृत्यु किस स्थान पर हुई? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन याद रखेगा ये दुनिया का आखिरी नर गैंडा था, आप ये जो है पृथ्वी से विलुप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है, तो ये था इसकी जो मृत्यु हुई है ये केन्या में हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्या, रूसा योजना संबंध है, तो यार रूसा की जो योजना संबंधित है उच्च। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पेरू का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया, तो याद रखिए मार्टिन विजनकारी को चुना गया है पेरू का नया राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन का, आयुष्मान भारत राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया, तो याद रखिएगा ये किया गया इंदु भूषण जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मदरसों में NCERT पाठ्यक्रम अनिवार्य करने वाला भारतीय राज्य बना, तो याद रखिएगा ये बना है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्थान को पर्यटन सूची से बाहर किया, तो याद रखिएगा ये किया है ताजमहल को। और किस देश के वैज्ञानिकों ने मानव शरीर का जो 80वां अंग जो है खोज लिया है, तो याद रखिएगा ये खोजा है इजराइल ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखिए राष्ट्रमंडल खेलों से थोड़ा सा देख लीजिए क्योंकि ये आपका अप्रैल का सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो जाता है, तो अच्छे से इसको देख लीजिए। क्या बोल रहे हैं कि जो 21वें राष्ट्रमंडल खेल जो है इनका आयोजन कहाँ पर किया गया, तो ये किया गया ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में, इसको याद रखिएगा। प्रथम स्थान इस गेम में मिला है ऑस्ट्रेलिया को, यानी 198 इन्होंने कुल टोटल पदक जीते। फिर द्वितीय स्थान पर रहा इंग्लैंड, यानी 136 पदक जीते। और इस बार भारत की जो स्थिति रही है यहाँ पर थर्ड पोजीशन पर रही, क्योंकि भारत ने यहाँ पर कुल जो पदक जीते हैं वो जीते हैं 66। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या, स्वर्ण पदक भारत ने कितने जीते, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं अच्छे से देख लीजिए। तो स्वर्ण पदक जीते हैं 26, और कांस्य पदक जीते हैं 20, और रजत पदक जीते हैं आपके 20, यानी टोटल मिला के 66 इन्होंने पदक जीते हैं। परेड की शुरुआत की किसने की थी राष्ट्रमंडल खेलों में, तो स्कॉटलैंड ने की थी। और भारत की परेड में जो हिस्सा क्या था वो 38 नंबर पे भारत का स्थान था। भारतीय खिलाड़ियों की संख्या इस बार कितनी थी, ये थी 217। कुल देशों की भागीदारी कितनी थी, यानी 71 देशों ने इस गेम में भाग लिया था। नेक्स्ट क्या कि भारतीय दल की अगुवाई किसने की थी, तो ये की थी पीवी सिंधु जी ने। और समापन कार्यक्रम में जो भाग लिया था ये लिया था MC मैरी कॉम ने। और भारत ने सर्वाधिक पदक जीते थे निशानेबाजी में। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की उम्मीद है। IPL देखिए स्टार्टिंग कब हुई, 7 अप्रैल से स्टार्ट हुआ और 27 मई को ख़त्म हुआ। और इस बार विजेता टीम रही कौन, चेन्नई सुपर किंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, सरकारी सेवा से आरक्षण प्रणाली खत्म करने वाला देश जो बना है ये कौन बना है, ये आपका बना हुआ है बांग्लादेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, किस संचार सैटेलाइट से इसरो का संपर्क टूट गया, तो याद रखिएगा GSAT-6A से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत किसे पीछे छोड़ते हुए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जो उत्पादक देश बन गया है मोबाइल, तो ये कौन बना है, वियतनाम। ठीक है, वियतनाम को पीछे छोड़कर ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्या बन गया है, मोबाइल उत्पादक देश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संतोष ट्रॉफी 2018 फुटबॉल का खिताब किसने जीता, तो ये जीता है केरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपश्री योजना प्रारंभ करने वाला भारतीय राज्य है, तो याद रखिएगा ये है आपका पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का महानिदेशक चुना गया, तो ये चुना गया है विनीत जोशी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2018 में भारत का स्थान जो रहा वो क्या रहा है, तो ये रहा 130वां। ठीक है, नेक्स्ट क्या, भारत से लगी सीमा को ड्रोन से निगरानी करने का फैसला किसने किया है, तो ये किया है नेपाल ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 65वें राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया, तो यार इसका सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया विलेज रॉक स्टार को। नेक्स्ट क्या कि कीटो को पूरी तरह समर्पित संग्रहालय खोला गया, तो ये खोला गया तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का सर्वाधिक वाहनों वाला शहर बना, तो याद रखिएगा ये बना है आपका पुणे। नेक्स्ट क्या कि केंद्रीय सतर्कता के अनुसार 2017 में सर्वाधिक भ्रष्टाचार के खिलाफ जो केस दर्ज हुए वो कौन सा मंत्रालय, तो याद रखेगा रेलवे के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो ये किया गया मॉरिशस के अंदर। नेक्स्ट क्या है कि वाटर एटीएम पॉलिसी तैयार करने वाला भारतीय राज्य बना, तो ये क्वेश्चन कई जगह पूछा गया, याद रखेगा तो ये बना है हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी खिलाओ अभियान शुरू करने वाला भारतीय राज्य बना है, तो ये बना है हरियाणा। और अप्रैल में प्रकाशित हुई पुस्तक सी यू टुमारो एट नाइट के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा दीपक सक्सेना जी हैं इस पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने रक्षा योजना समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो याद रखिएगा अजीत डोभाल जी को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, सर्वाधिक फिल्म अनुकूलन भारतीय राज्य घोषित किया गया, तो कई जगह ये क्वेश्चन ही पूछा गया, अच्छे से याद रखिएगा, तो मध्य प्रदेश को घोषित किया गया है सर्वाधिक फिल्म अनुकूलन राज्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कांग्रेस द्वारा किस न्यायाधीश के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की गई, तो याद रखिए जस्टिस दीपक मिश्रा जी के ऊपर, जो मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के, इनके ऊपर क्या महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट की गई थी कांग्रेस द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस महिला खिलाड़ी पर डाक टिकट जारी किया गया, तो यह झूलम गोस्वामी पर क्या क्या है डाक टिकट जारी किया गया। नेक्स्ट क्या है, देश का पहला कैशलेस द्वीप बना, तो यार कारंग द्वीप जो है ये देश का पहला कैशलेस द्वीप बना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अविस्पा कानून समाप्त करने वाला भारतीय राज्य बना, तो यार ये बना है मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रमंडल देशों में अध्यक्षों की बैठक किस स्थान पर हुई, तो यार ये हुई थी आपकी लंदन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्लोबल बैलेंस लीडरशिप अवार्ड दिया गया, तो याद रखिएगा ये दिया गया प्रधानमंत्री शेख हसीना को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हरिमौ शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत के किस देश के साथ अभ्यास है, तो याद रखिएगा हरिमौ शक्ति पूछा जा रहा, तो ये है मलेशिया के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान रहा, तो याद रखिएगा 138वां स्थान रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को विश्व विरासत की श्रेणी में शामिल किया, याद रखिएगा अहमदाबाद को शामिल किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 27वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया, तो यार क्या सितांशु यशचंद जी को यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्या कि फिच रेटिंग में भारत को किस स्थान पर रखा गया, तो यार बी माइनस पर, ठीक है। ये भारत की स्थिति ठीक हुई है, पहले तो सी थी लेकिन अब बी पर आया, ठीक है। नेक्स्ट क्या, लाल किले को किस समूह ने गोद लिया है, तो यार डाल मियाँ समूह ने इसे गोद लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मई का कुछ देख लेते, क्या है, हाइपरसोनिक मिसाइल की तरह विकसित की जा रही भारतीय मिसाइल कौन सी है, तो यार हाइपरसोनिक मिसाइल की तरह जो विकसित की जा रही है कई जगह पूछा गया, तो ब्रह्मोस जो है ये हाइपरसोनिक मिसाइल की तरह विकसित की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत रोशन होने वाला अंतिम गाँव कौन है, तो याद रखिएगा लिशांग, जो कि मणिपुर का एक गांव है, ठीक है, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ब्रिटेन का नया मुख्य जो गृह मंत्री चुना गया है, तो याद रखिएगा साजिद जावेद जी को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व का पहला तैरने वाला परमाणु संयंत्र खोला गया, तो ये कई जगह ये क्वेश्चन पूछा गया, अच्छे से याद रखिएगा, तो ये खोला गया है रूस के अंदर। नेक्स्ट क्या कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो याद रखिएगा लुम्बिनी ने, जो कि नेपाल में है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है, तो याद रखिएगा ये किया गया हरेंद्र सिंह जी को। और हॉटलाइन सेवा प्रारंभ की गई है, तो ये की गई है भारत एवं चीन के बीच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महिला रोबोट सोफिया को अपने देश की नागरिकता दी है, तो याद रखिएगा सऊदी अरब ने क्या दी है, इस रोबोट को अपने देश की नागरिकता दी है। और नेवी की पहली महिला पायलट बनी, कई जगह ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा ये बनी है शुभांगी स्वरूप जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, FDI इंडेक्स 2018 में भारत का स्थान क्या रहा, तो याद रखिएगा 11वां स्थान रहा है। और महिलाओं की सुरक्षा के लिए शक्ति ऐप शुरू करने वाला भारतीय राज्य बना, तो ये बना है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवर्धन योजना शुरू करने वाला भारतीय राज्य बना है, तो याद रखिएगा ये बना है आपका हरियाणा। और डोप स्टेप डिलीवरी योजना शुरू करने वाला भारतीय राज्य बना है, तो ये बना है हरियाणा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का, दक्षिण एशियाई जूनियर एथलीट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, तो ये किया गया आपका श्रीलंका के अंदर। और फोर्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 9 सबसे ताकतवर व्यक्ति कौन है, तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो दुनिया के 9वें सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एशिया प्रशांत पावर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा, तो याद रखिएगा ये फोर्थ स्थान रहा है भारत का इस बार। नेक्स्ट क्या कि 15वें एशियाई शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो ये किया गया है न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन का, व्हाट्सएप का नया CEO नियुक्त किया गया है, तो ये क्या है, क्रिश डेमनियल को। और वॉल्टमार्ट के CEO नियुक्त किया गया, तो ये कौन है, डैम मैकमिलन को, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि KK बिरला द्वारा 27वां बिहारी पुरस्कार दिया गया, तो ये दिया गया विजय शर्मा जी को। और 8वीं
इंडियन हॉर्टिकल्चर कांग्रेस का आयोजन किया गया है, तो ये किया गया है रामपुर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एशियन रोबोट सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो यार रखिएगा ये क्या है, बीजिंग के अंदर रोबोट सम्मेलन था ये, और ये बीजिंग में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का सबसे साफ शहर घोषित किया गया, तो ये किया गया इंदौर को, और सर्वाधिक वायु प्रदूषित वाला शहर घोषित किया गया, तो ये किया गया कानपुर नगर को, और देश का सबसे गंदा रेलवे स्टेशन घोषित किया, तो ये किया गया कानपुर नगर को, ठीक है। और GST समाप्त करने वाला देश बना, तो ये बना है मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नीपा वायरस प्रभावित जो राज्य रहा इस बार कौन रहा है, तो ये रहा है केरल। और मैन बुकर प्राइज 2018 जो प्रदान किया गया, किसे किया गया, मोस्ट IMP क्वेश्चन, तो याद रखिएगा ये किया गया ओल्गा टोकजुकोव, ठीक है। मैं इसलिए तेज चल रहा हूँ कि भाई बड़ी वीडियो है, तो मैं नहीं चाहता कि आपका समय खराब हो। बहुत फास्ट रिविजन, अगर आप इस वीडियो को दो बार देख लेते ना, तो ये लगभग सब याद हो जाएंगे। क्या बोल रहे हैं कि मैन बुकर प्राइज 2018 प्रदान किया गया, तो याद रखिएगा ओल्गा टोकजुकोव, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं जून के कुछ करंट अफेयर की, तो याद रखिएगा यमन में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए ऑपरेशन की शुरुआत की गई, तो इस ऑपरेशन का नाम पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा क्या, ऑपरेशन निस्तार, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि RBI का चौथा उप गवर्नर नियुक्त किया गया, तो ये किया गया महेश कुमार जैन जी को। नेक्स्ट क्या, विश्व शांति सूचकांक में प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो याद रखिएगा ये किया है आइसलैंड ने। और सुवर्णरेखा बंदरगाह निर्माण की मंजूरी दी गई है, तो ये दी गई है ओडिशा के अंदर। नेक्स्ट क्या, किम्बो ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया, तो ये किया गया है पतंजलि के द्वारा। और किस भारतीय राज्य में मृत्यु दर सबसे नीचे देखी गई है, तो याद रखिएगा केरल के अंदर मृत्यु दर सबसे नीचे देखी गई है। और निक्की एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो याद रखिएगा डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी को किया गया इस पुरस्कार से सम्मानित। और चीन की किस नदी को महासागरों में प्रदूषण ले जाने क्या जो प्रमुख साधन माना गया है, तो याद रखिएगा यांजे नदी को, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का, स्मार्ट सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो याद रखिएगा सूरत को। और फेमिमा मिस इंडिया 2018 का खिताब किसने जीता है, तो याद रखिएगा अनुकृति वास ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जून में किस अभिनेत्री का निधन हो गया, तो याद रखिएगा रीता भादुड़ी जी का जो है निधन हो गया जून के अंदर। और क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो ये की है मोहम्मद कैफ ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का, भारत यात्रा पर आए दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो याद रखिएगा मून जे इन इनका नाम है, ठीक है। हाल ही में प्रकाशित ऐसे बनेगा विश्व गुरु भारत किसकी कृति है, तो याद रखिएगा विनोद कुमार जी की यह कृति है। नेक्स्ट क्या, कन्या वन समृद्धि योजना शुरू करने वाला भारतीय राज्य बना, तो ये बना है आपका महाराष्ट्र। और पौधागिरी अभियान शुरू करने वाले मुख्यमंत्री कौन है, तो याद रखिएगा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का सबसे बड़ा वीजा केंद्र खोला गया, तो ये खोला गया है बांग्लादेश के अंदर। अब बात कर लेते हैं जुलाई अगस्त और सितंबर के बीच की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए दुर्गा शक्ति स्कीम हाल ही में किस भारतीय राज्य में लॉन्च की गई है, तो ये की गई है सकते स्कीम कहां, हरियाणा के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टीवी के बहुत प्रसिद्ध शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के ने डॉक्टर हाथी का किरदार निभाने वाले का हाल में ही निधन हो गया, इनका वास्तविक नाम क्या था, तो याद रखिएगा कवि कुमार आजाद जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर खोला है, तो याद रखिएगा ये खोला है आपका दिल्ली के अंदर। और हाल ही में एक सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता है, किस नंबर के, थर्ड नंबर के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीट परीक्षा के दौरान कला और कृपाल की अनुमति सिख छात्रों को प्रदान की गई है, तो याद रखिएगा ये की गई है दिल्ली हाई कोर्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में संपन्न हुए फीफा वर्ल्ड कप में विजेता देश फ्रांस रहा, इसे किसे हराकर ट्रॉफी अपने नाम की, तो याद रखिएगा उप विजेता जो रहा है ये रहा है क्रोएशिया। और हाल ही में संपन्न हुए फीफा वर्ल्ड कप का मेजबान देश कौन था, तो याद रखिएगा रूस था, ठीक है। और सुनामी का पूर्वानुमान लगाने के लिए हाल ही में लॉन्च किया गया, तो याद रखिएगा इन क्वाइन जो है लॉन्च किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि हाल ही में जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो याद रखिएगा जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है न्यूयॉर्क के अंदर। और हाल ही में प्रकाशित हिडन इंडिया के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा ये है आपका लतिका नाथ जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि हाल ही में एक सर्वे के अनुसार 2028 तक भारत का कौन सा शहर दुनिया का सबसे आबादी वाला शहर बन जाएगा, तो ये बन जाएगा दिल्ली। और क्या, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न से सम्मानित श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन हो गया, ये किस तिथि को हुआ है, तो याद रखिएगा ये 16 अगस्त 2018 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन घोषित किया गया है, तो याद रखिएगा जोधपुर किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का प्रतिष्ठित पुरस्कार कालिदास सम्मान इस वर्ष किसे प्रदान किया गया है, तो याद रखिएगा अंजलि इला मेनन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ड्रग्स तस्करों को फांसी देने का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा है, तो याद रखिएगा ये भेजा है पंजाब सरकार ने। और देश का 19वां राज्य कौन सा जिसने प्लास्टिक को पूर्ण रूप से बैन कर दिया है, तो ये कर दिया है उत्तर प्रदेश ने, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका,
17वें विश्व संस्कृत सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो ये किया गया है कनाडा के अंदर। और हाल ही में गोल्डन मैन बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो ये रखेगा माइकस ओडांजे को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ग्लोबल एविनेशन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो ये रखेगा 57वां स्थान इनको प्राप्त हुआ है। और भारतीय रेल श्री राम नारायण एक्सप्रेस का परिचालन कहाँ से करेगी, तो ये करेगी सफदरगंज से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फीफा वर्ल्ड कप 2018 का गोल्डन बूट पुरस्कार किसे दिया गया है, तो यह रखेगा ये दिया गया हैरी केन को। और हाल ही में संगीत कलानिधि पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया है, तो यह रखेगा ये किया गया अरुणा साईंराम जी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जेफ बेजोस किस कंपनी के मालिक हैं, तो यह मैंने आपको बताया ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं इस समय, तो ये अमेजोन के मालिक हैं। ठीक है, वैश्विक दासता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा, तो यह 53 स्थान भारत का रहा। नेक्स्ट क्या कि 21वीं शताब्दी का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण किस दिन घटित हुआ, तो 27 जुलाई 2018 को। एशियाई गेम 2018 में सर्वाधिक पदक जीतकर प्रथम स्थान प्राप्त किसने किया है, तो ये किया है चीन ने। और एशियाई गेम 2018 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो यह रहेगा 69 पदक भारत ने कुल जीते हैं। हाल ही में यूनेस्को ने विक्टोरियन गोथिक नामक इमारत को विश्व धरोहर की श्रेणी में शामिल किया है, तो यह स्थित है, यह आपकी स्थित है मुंबई के अंदर। और चैंपियन ट्रॉफी हॉकी 2018 किसने जीता है, तो यह रहेगा ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना की न्यूनतम सालाना राशि घटाकर कितने कर दी है, तो ये कर दिए मात्र 250 रुपये। और हाल ही में किन भारतीयों को रमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो यह दो लोगों को किया गया, भरत वाटवानी और सोनम वांचू को। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि जम्मू कश्मीर स्थित भारतीय सेना के कमांड का कमांडर किसे बना चुना, तो ये चुना गया रणवीर सिंह। और हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया, तो ये कर दिया गया मुगल सराय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का, हाल ही में आरबीआई के चौथे उप गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया, तो यह रखेगा महेश कुमार जैन जी को किया गया। और 1 जनवरी 2019 से प्लास्टिक को पूर्ण रूप से प्रतिबंध करने का फैसला लिया है, तो ये लिया है तमिलनाडु ने। ठीक है, नेक्स्ट क्या, वैश्विक शांति सूचकांक में विश्व का सबसे शांति वाला देश कौन सा है, तो आइसलैंड है। और रक्षा मंत्रालय ने किस भारतीय राज्य में सुवर्णरेखा बंदरगाह बनाने की मंजूरी दी है, तो ये दी है ओडिशा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महिला T20 एशिया कप विजेता देश कौन है, तो यार कहेगा ये आपका है बांग्लादेश। और सीमा दर्शन योजना हाल ही में किस भारतीय राज्य में शुरू की गई है, तो ये की गई है आपकी गुजरात के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई खेलों में जीता हुआ स्वर्ण पदक स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित किया, तो देखिए मैंने नेट पर भी चेक किया तो मोस्टली यहाँ पर बजरंग पुनिया ही दे रहे हैं। बहुत से लोग बोल रहे थे कि नीरज चोपड़ा है, लेकिन बजरंग पुनिया ही है जिन्होंने अपना जो स्वर्ण पदक है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी को समर्पित किया है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि हाल में एशियाई खेलों में किस महिला खिलाड़ी ने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा, तो यह रखेगा विनेश फोगाट ने जीता है। और हाल ही में गूगल ने डूडल बनाकर किसे याद किया, तो यह रखेगा इस्मत आपा जी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, कौन सी बॉलीवुड अभिनेत्री अपने अमेरिकन टीवी शो क्वांटिको के लिए विवादों में पड़ रही, तो यह रही प्रियंका चोपड़ा जी। और यह क्वेश्चन रेलवे में पूछा भी गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पंजाब के किस कैबिनेट मंत्री को पाकिस्तानी प्रमुख से गले मिलने पर विवादों का सामना करना पड़ा, तो यह रखेगा नवजोत सिंह सिद्धू। ठीक है, और हाल ही में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो यह किया गया मॉरिशस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि हाल ही में पाकिस्तानी जो प्रधानमंत्री चुने गए हैं ये कौन चुने गए हैं, ये चुने गए इमरान खान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हाल ही में पहली सार्क कृषि सहकारिता विकास फोरम का आयोजन किस देश में किया गया है, तो ये किया गया है नेपाल के अंदर, पहली है, तो अच्छे से याद रखिएगा। देखिए कई क्वेश्चन मैं और वीडियो को मिस कर सकता हूँ, क्योंकि ये मैं एक वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको 10 वीडियो ना देखनी पड़े, आप पूरा यहीं से रिवाइज कर ले। लेकिन मैं दो वीडियो आपको ज़रूर रिक्वाइड करूँगा, एक आपका है जो स्पोर्ट्स करंट अफेयर और एक आपका है ऑथर्स एंड उनकी बुक्स के जो भी नाम होते हैं उसका करंट अफेयर। तो ये दोनों ही वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दूंगा, आप लोग उसे भी देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत लंबी वीडियो हो रही थी, लेकिन वो एक स्पेशली टॉपिक, तो आप उसे वहाँ देख लीजिए। और यहाँ पर आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में ओ स्मार्ट नामक परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, यह परियोजना संबंधित है, तो यह संबंधित है महासागरीय विकास से। नेक्स्ट क्या कि हाल ही में नेल्लोर काठा स्वामी उत्सव किस देश में स्टार्ट किया गया है, तो ये किया गया है श्रीलंका में। और याद रखिएगा ये मतलब हिंदुओं को मतलब अपनी ओर आकर्षित करना यानी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये उत्सव स्टार्ट किया गया है श्रीलंका के अंदर, तो आप इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के द्वारा शपथ पत्र ठीक से ना पढ़े जाने के कारण आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है, तो ये करना पड़ा है पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि कप्तान सिंह
सोलंकी को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा ये किया गया है त्रिपुरा का, ठीक है, और ये लेटेस्ट है क्योंकि अभी जो 7 राज्यपाल चेंज हुए थे उन्हीं में से ये एक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का, हाल ही में किस भारतीय राज्य द्वारा जीवन बीमा योजना शुरू की गई है? तो ये की गई है तेलंगाना के द्वारा। और नेक्स्ट क्या है कि नेवी द्वारा शुरू किया गया जो ऑपरेशन मदद, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा कि क्या बोले, नेवी द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन मदद संबंधित है, तो ये संबंधित है केरल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का, हाल ही में पाकिस्तान की पहली मुख्य न्यायाधीश चुनी गई हैं? तो ये चुनी गई हैं तहीरा सफदर जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का, विधवाओं के लिए बनाया गया कृष्णा कुटीर किस भारतीय राज्य में खोला गया है? तो ये खोला गया है उत्तर प्रदेश में, और इसका जो उद्घाटन किया है यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का, हाल ही में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने किस देश की यात्रा को गए हैं? ये तो ये गए हैं साइप्रस की यात्रा पर, आप लोगों ने देखा भी होगा, तो इसको अच्छे से याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गुजरात में हाल ही में शुरू किया गया मोबाइल ऐप अभियम 181 संबंधित है? तो ये संबंधित है महिला सुरक्षा से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा मिशन सत्यनिष्ठ शुरू किया गया है? तो याद रखिएगा ये शुरू किया है रेल मंत्रालय द्वारा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का कि हाल ही में किस भारतीय राज्य ने बड़ा फैसला लेते हुए एसिटिक जो पीड़ितों को दिव्यांग की श्रेणी में शामिल किया है? तो ये किया है मध्य प्रदेश ने, ठीक है। नेक्स्ट क्या, किस क्रिकेटर खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये की है एलिस्टर कुक ने। नेक्स्ट क्या कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे अधिक संकटग्रस्त नदियों में से एक है? तो याद रखिएगा ये एक है गंगा नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि 31 अगस्त 2018 को किस देश के बीच रणनीतिक महत्व के रक्सौल काठमांडू रेल मार्ग को विकसित करने के लिए सहमति ज्ञापन का हस्ताक्षर किए गए? तो ये किए हैं भारत और नेपाल के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि हाल ही में वोडाफोन आइडिया के विलय के बाद कंपनी का नया नाम क्या है? तो याद रखिएगा वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शहीद सम्मान योजना प्रारंभ की गई है? तो ये की गई है दिल्ली के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार हेतु चयन किया गया है? तो ये किया गया है गोपाल कृष्ण गांधी जी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में फैसला लिया गया है कि राज्यसभा चुनाव में नोटा का प्रयोग नहीं होगा? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन याद रखेगा, नोटा का प्रयोग ना करने का जो आदेश दिया है ये किया है सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि हाल ही में किस एंटी टैंक मिसाइल का पोखरण में सफल परीक्षण किया गया है? तो ये किया गया है हेलिना का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हाल ही में विजेता V.S. नायपॉल का निधन हो गया, ये संबंधित हैं? तो यार ये भारतीय मूल के लेखक है और ये नोबेल प्राइज विजेता भी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का, हाल ही में तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और द्रविड़ आंदोलन के नेता का निधन हो गया? तो ये कौन है? तो ये है M. करुणानिधि, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर कप्तान का निधन हो गया है? तो ये हो गया अजीत वाडेकर का, ठीक है। देखिए ब्रांड एम्बेसडर से थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं हर पेपर में, तो अच्छे से देख लीजिए क्या है। स्वच्छ सार्थक कार्यक्रम की जो ब्रांड एम्बेसडर हैं ये हैं दिया मिर्जा, ठीक है। माँ अभियान की जो ब्रांड एम्बेसडर है ये हैं माधुरी दीक्षित जी, और पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर हैं विराट कोहली, और अतुल भारत अभियान के हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्या कि यूनिसेफ की हैं प्रियंका चोपड़ा, असम पर्यटन की हैं प्रियंका चोपड़ा, और अमेरिकन टूरिस्टर के हैं विराट कोहली। स्वच्छ भारत अभियान की हैं शिल्पा शेट्टी, पैसिफिको की हैं PV सिंधु, और हेपेटाइटिस बी उन्मूलन अमिताभ बच्चन, निर्मल भारत अभियान विद्या बालन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ माधुरी दीक्षित, स्वच्छ रेल मिशन विंदेश्वर पाठक, ठीक है, और दरवाजा बंद अभियान तो अमिताभ बच्चन और अनुष्का शर्मा, स्किल इंडिया अभियान प्रियंका चोपड़ा, और भारतीय वन जीव ट्रस्ट दिया मिर्जा, ठीक है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कारों को भी देख लेते हैं एक बार क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन हर जगह पूछे जा रहे हैं। तो याद रखिएगा ज्ञानपीठ जो है 53वां मिला है, ये किसमें मिला है, कृष्णा सोबती जी को। 27वां व्यास सम्मान मिला है ममता कालिया को, और 2018 का अशोक चक्र जो दिया गया सम्मान किसे दिया गया, ज्योति प्रकाश निराला जी को, और 90वां ऑस्कर अवार्ड जो दिया गया ये दिया गया है द सेफ ऑफ वाटर को, और 2018 का यश चोपड़ा मेमोरियल पुरस्कार दिया गया है आशा भोसले जी को, और 2018 का लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार दिया है, देखिए ये विंदेश्वर होगा, ठीक है, क्या विंदेश्वर पाठक जी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, और मदर टेरेसा मेमोरियल पुरस्कार दिया गया है प्रियंका चोपड़ा को, और पृथ्वीजर पुरस्कार दिया गया बालकृष्ण दोषी को। तो ये थे
आपके 9 महीने के मोस्टली करंट अफेयर जो आपके एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल होंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर तो आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।